Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए चलते हैं। हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का दिन अच्छा जाए और मंगलमय जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पीच और कविता लेकर हाजिर हूं। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग आप लोगों के लिए छोटा सा कार्यक्रम लाए हैं। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइस, प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक अवेलेबल है। फीमेल के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो फीमेल भी मैनेज करके ग्रुप में ऐड हो सकती है। वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654223684। चलिए गाइस, अब हम सुनते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रोग्राम। थैंक यू, आप लोग प्रोग्राम का आनंद लें। सम्मान्य मंच, आदरणीय उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पर्व को पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिन्होंने इस भारत देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश के प्रति बलिदान दिया, उन वीर शहीदों को मैं नमन करती हूँ और उनके लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम तो उस देश के फूल है यारो, हम तो उस देश के फूल है यारो, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। आजादी, आजादी की लौ यूं तो सन 1857 में ही जल गई थी, परंतु पूर्ण तरीके से 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई वीर शहीद जैसे सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि और भी कई वीर क्रांतिकारियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तभी से हर बच्चा इस आजादी का महत्व संपूर्ण रूप से जान पाया है और इस आजादी को हमेशा कायम रखने के लिए हमें भी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जरूरत होती है। अगर जरूरत है तो एक अच्छे इंसान की, अगर देश का निर्माण करना है तो अच्छा इंसान होना जरूरी है। हमें भी उन वीर शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी आजादी का महत्व संपूर्ण रूप से जान पाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं संगीता कश्यप आपके सामने में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता के पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। अब देशभक्ति की महक मेरे कपड़ों से भी आने लगी, अब देशभक्ति की महक मेरे कपड़ों से भी आने लगी, अब तो मेरी धड़कनें भी जय हिंद गाने लगी, अब तो मेरी धड़कनें भी जय हिंद गाने लगी। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, मिली हमें आजादी
वीर शहीदों के बलिदान से आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो का देता सबको यह संदेश है। मिली हमें आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गवाई थी, तब जाकर हमारे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। यह धरती भी हमारी, आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी हमारा न था। मंगल भगत आजाद, सबने लड़ी लड़ाई थी, सबने लड़ी लड़ाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रेणुका कुशवाहा आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस सत्य की राह पर निकले वीर शहीदों को मैं नमन करती हूं और उनको दो लाइन अर्पित करती हूं कि किसी कजरे को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ऐसी ही मेरी कविता है जिसका शीर्षक है सत्य। मैं सत्य हूँ, इस गर्द को जरा हटने दो, इस गर्द को जरा हटने दो, रात का नशा है उतरने दो। जब रोशन सवेरा होगा तब असर मेरा होगा। मैं सत्य हूँ, मैं अपरिहार्य हूँ। प्रत्यय न मांगो मेरा, मैं अनिवार्य हूँ। वास्तव मेरा सूर्य जैसा अटल, पावन जैसे अनिल, सूक्ष्म जैसे अनिल, प्रकाश जैसा विरल। मानो तो सरल हूँ, नहीं तो कटु गरल हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं समय से पहले भी और समय के बाद हूँ, मैं शोर में सन्नाटा हूँ, सन्नाटे का मिनार हूँ। मैं कुरुक्षेत्र का परिणाम हूँ, मैं राम की सीता और सीता का राम हूँ। मैं किसी अग्नि परीक्षा में नहीं, हर प्रमाण से आदि और हर परिणाम का अंत हूँ। मैं सत्य हूँ, तुम मुझे छुपा सकते हो पर हटा सकते नहीं, तुम मुझे मिटा सकते, दबा सकते हो क्षण भर पर मिटा सकते नहीं। डाल दो मुझ पर चाहे मिट्टी पर फिर भी मुझे नहीं मरण। मैं शाश्वत जैसे धरती गगन, मैं जलकर कभी राख होता नहीं, मैं कभी मरता नहीं। हाँ मैं सत्य हूँ। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो इंतजार करते हैं उस शाम का जब हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए।